हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट क्लास तक के बच्चों के लिए है, जिसमें मैं आज आप लोगों को इंग्लिश में स्टोरी राइटिंग लिखना सिखाऊंगी। इसके साथ ही यहाँ मैंने वो एग्जांपल लिया है जो आप लोगों के एग्जाम में रिपीट होता है, रिपीटेड क्वेश्चन। तो सभी बच्चे इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। आप लोगों को बच्चों आउटलाइंस एग्जाम में गिवेन होगी, जैसे यहाँ दे रखी है एन ओल्ड फार्मर डैश। आपको इन हिंट्स को लेते हुए अपने स्टोरी राइटिंग को कंप्लीट करना होगा। आपका जो स्टोरी का टाइटल है वो है बच्चों यूनियन इज स्ट्रेंथ, मीन्स कि एकता क्या है बच्चों, शक्ति है। या द ओल्ड फार्मर एंड हिज सन, फार्मर का मतलब क्या होता है, किसान, एक बूढ़ा किसान और उसके चार बेटे। आउटलाइन आप लोगों को एग्जाम में गिवन होगी, क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से रीड करना कंपलसरी है। एंड ओल्ड फार्मर, एक बूढ़ा किसान था, डैश दे रखा है। स्टोरी आगे कंटिन्यू होगी, फोर सन, चार बेटे, डैश ऑलवेज क्वेरलिंग, जो हमेशा झगड़ते रहते थे। क्वेरलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, झगड़ना। डैश दे रखा है, स्टोरी कंटिन्यू करनी है। फार्मर इल, एक दिन किसान बीमार पड़ा, डैश स्टोरी कंटिन्यू होगी। सेंड फॉर देम डैश, गिव देम अ बंडल ऑफ स्टिक, फार्मर ने लकड़ियों का बंडल अपने बच्चों को दिया। डैश सन अनेबल टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक, लेकिन जो उनके बच्चे थे वो उस बंडल को तोड़ने में अनसक्सेसफुल रहे। डैश यूनिट इज द बंडल डैश, ईच सन ब्रेक स्टिक वन बाय वन। इसके बाद बोला गया है कि हर एक बच्चा फार्मर का उस स्टिक को पकड़ के तोड़ता है। फिर डैश दे रखा है और आप लोग इसका मोरल भी लिखेंगे। मोरल लिखना कंपलसरी है बच्चों। स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। वंस देयर वाज एन ओल्ड फार्मर, एक बूढ़ा किसान था, हु हैड फोर सन, उसके चार बेटे थे। दे ऑलवेज क्वेरल्ड अमंग देमसेल्फ, वो हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। द फादर ऑफन एडवाइस देम टू मैंड देयर वेज, उनके फादर उन्हें एडवाइस भी करते थे, बट दे डिड नॉट लिसन टू हिम, लेकिन जो उनके बच्चे थे वो उनकी बात नहीं मानते थे। फुल स्टॉप डालते हुए स्टोरी को लिखना आगे कंटिन्यू करना है। वन डे ही फेल सीरियसली इल, एक दिन क्या हुआ कि फार्मर सच में बीमार पड़ गया। ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड, वो अपने मरने की सिचुएशन पर था। ही कॉल्ड हिज सन टू हिज बेड साइड, उसने अपने बच्चों को अपने बेड के पास बुलाया। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। ही वॉन्टेड टू टीच देम अ लेसन बिफोर हिज डेथ, वो अपने बच्चों को लाइफ लेसन सिखाना चाहते थे अपने मरने से पहले। ही आस्क देम टू ब्रिंग अ बंडल ऑफ स्टिक, फार्मर ने लकड़ी के बंडल के बारे में पूछा। द बंडल वॉज ब्रॉट, बंडल लाया गया। ही आस्क्ड देम टू ब्रेक द बंडल, फार्मर ने उस बंडल को अपने बच्चों से तोड़ने के लिए कहा। ईच ऑफ देम ट्राइज हिज बेस्ट, हर एक ने अपना बेस्ट दिया, बट नो वन कुड ब्रेक द बंडल, लेकिन उनमें से कोई भी उस बंडल को तोड़ नहीं पाया। द वाइज फादर नाउ यूनाइटेड द बंडल, अब फादर ने कहा अब सब मिलकर के इस बंडल को तोड़ो। ही आस्क्ड देम टू ब्रेक वन स्टिक ईच, हर एक ने स्टिक को मजबूती के साथ पकड़ लिया। नाउ ईच ऑफ देम ब्रोक हिज स्टिक ईजली, इसके बाद क्या हुआ कि वो स्टिक को, उस बंडल को तोड़ने में सक्सेसफुल रहे। द फादर सेड टू देम, इफ़ यू आर यूनाइटेड नो बडी कैन हार्म यू, यहाँ बोला गया है बच्चों कि फादर ने कहा अगर आप एक साथ हैं, यूनाइटेड हैं, तो कोई भी आपको हार्म नहीं कर सकता है, कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता है अगर आप एक साथ हैं। इफ़ यू क्विरल यू विल सफ़र, लेकिन अगर आप झगड़ा करते हैं तो उससे आपको सफ़र करना पड़ेगा, मीन्स कि आपको पीड़ित होना पड़ेगा। दिस वर्ड वर्क्स मैजिक, एक ओल्ड फार्मर की अपने बच्चों के लिए की गई ये बात एक जादू सा असर किया। इट मीन्स के शब्दों ने जैसे जादू ही कर दिया। दे प्रोमिस टू लिव इन पीस, उन्होंने वादा किया कि अब वो शांति से रहेंगे और कभी भी नहीं झगड़ेंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी बच्चों, यूनियन इज स्ट्रेंथ, मीन्स की एकता में बल है। तो यहाँ से हमारी स्टोरी राइटिंग होती है बच्चों कंप्लीट।